नमस्कार दोस्तों, सपनों का मतलब इन हिंदी डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि आप उलझे हुए बालों को देखा है तो फिर इसका क्या मतलब होगा, क्या प्रभाव होगा और यह स्वप्न आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, यदि बात करें उलझे हुए बालों की, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो बाल कई कारणों से उलझ जाते हैं। जैसे नहाने के बाद अमूमन जिनके लंबे बाल होते हैं, चाहे वो कोई बाबा बैरागी हो चाहे वो कोई लड़की हो, बाल अक्सर उलझ ही जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पे एक लड़की के बाल उलझे हुए आप देख सकते हैं, जहाँ पे एक दूसरी लड़की जो कि शायद तक मेरे को ब्यूटी पार्लर वाली वर्कर लग रही है, वो कोई केमिकल का यूज करके उन बालों को सीधा करने की कोशिश कर रही है। स्क्रीन पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसे ही कुछ उलझे उलझे बाल अपने सपनों में देखते हैं, किसी लड़की किसी लड़के के, किसी बाबा के, किसी बैरागी के, किसी के भी हों, बाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाल उलझे हुए हैं, मतलब इस बात से है। तो फिर इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में उलझे हुए बाल देखना एक अच्छा स्वप्न नहीं माना गया है। इसे एक नकारात्मक और निगेटिव स्वप्न माना गया है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है, इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी और आपको अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा यहाँ पर स्वप्न विज्ञान कहता है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, नकारात्मक बात है, निगेटिव बात है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यह स्वप्न अशुभ है। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन भी जरूर दबा दें, जो कि आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू से मिल जाएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की और वीडियो आपको उसको नोटिफिकेशन में अपन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए और कमेंट करिए। साथ ही इस तरह के सपनों का और अधिक विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आकर हमारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा।